on air. ले हाँ साहब हो गया लो लो भाई जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट वकार इंसारी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला जरा माइक से आता डाले सर। तो दोस्तों आज हम आपको शो करवाने लगे एक ऐसी छत पे जिस छत का माशाल्लाह कसूर में बहुत ही शानदार परवाजें रही इनके कबूतरों की, माशाल्लाह आउट क्लास परफॉर्मेंस रही हैं माशाल्लाह। जनाब आज वक्त हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद साहब की छत पे। दोस्तों पहले आपको इनकी कुछ गुफ्तगु सुनाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इनके जो मेन ब्रीडर कबूतर हैं उनका शो करवाएंगे। उससे पहले आपको इतला करता चलूँ दोस्तों, अपडेट करता चलूं कि 2012 और 2013 में कसूर की अवामी छत पर एक कबूतर उड़ा जो कि कसूर हिस्ट्री में और कसूर की अवाम उसे भुला नहीं सकती, जो कि सुल्तानरी के नाम से मशहूर हुआ, सुल्तानरी और मुस्तफा कुरैशी के नाम से मशहूर हुआ। माशाल्लाह जी बहुत ही शानदार परवाजें दी थी साल में। इस साल उस 2012 और 13 में एक परवाज नहीं तकरीबन कई परवाजें साथ के पार की उस कबूतर की थी। तो आइए जनाब आपकी मुलाकात करते हैं जनाब हाजी उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। उस्ताद जी क्या हाल ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो दोस्तों गुजारिश है कि एक बार वीडियो और वॉइस के बारे में बता दीजिएगा कि वीडियो और वॉइस क्लियर है, साथ साथ अपडेट करते रहे मुकम्मल वीडियो में। ये आपका तावन भी होता है हमारे साथ, वीडियो और वॉइस क्वालिटी के बारे में हमें बताते रहा करें। हमेशा मैं करा गलबात ते सब तो पहले तो टॉपिक मैं स्टार्ट करा तेनाल सुल्तानरी कबूतर के बारे में। माशाला जी जितों तक साढ़े कसूर की हिस्ट्री के एक बड़ा वाला नाम होया कबूतर का, माशाला थोड़े घर का परिंदा सी। हाई साहब की टाइमिंग वगैरह रहे होंगे की टेंशन रहा कबूतर का? सत्त का ही टाइम रहा जी, सत्त का टाइम रहा पौने सत्त 17 मिनट माशाला। कबूतर बनाए मैं काले मोती उनके शागिर्द हैं जी माशाल्लाह। और कुछ कबूतरों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आए आप दोस्तों शो की तरफ बढ़ते हैं। तो इनके जो मेन ब्रीडर कबूतर हैं उनका शो करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको शो करवाऊंगे इनके टैडी कबूतरों का, उसके बाद इंशाल्लाह जो सुल्तानी ब्लड लाइन है उनके घर में मौजूद है इस वक्त भी, तो इंशाल्लाह उसको भी आपको लाइव शो करवाएंगे। तो ये दोस्तों बढ़ते हैं शो की तरफ। बैठे हुआ है ना बच्चा जरा ऐसा अज अह के शो करावे तसली नाल। नहीं दोस्तों पहले आपको इनके टैडी कबूतरों का शो करवाते हैं।
इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आएंगे आपको इनके कबूतर। मैंने कहा बहुत बड़े बड़े नामों का शौक़ हो गया तो अब कुछ अच्छे मेयार के कबूतरों का भी शौक हो जाए। ऐसा आपकी कड़ी ब्लड लाइन है? नहीं जी, सबसे पहले इसका आइज क्लोजअप। माशाल्लाह जी, बहुत ही शानदार जर्रात और ब्लैक नूर के बहुत इसी तरह रिंग है। लें जी दोस्तों, इसके परंग शो करें आप। देखें हम बगल का साइज नोट करें और परों की स्ट्रेटनेस देखें। ओह हो, नहीं 250 का भी शौक करें। माशाल्लाह, लो ऐसा ऐसे में जोड़ा लगा लगा जो है। ये दोस्तों फीमेल का शौक किया आपने, अभी ये मेल आ गया। ये मेल का शौक करें दोस्तों। माशाल्लाह जी, इससे पहले आपने इसका फीमेल का शौक किया, अब ये मेल आ गया। माशाल्लाह जी क्या बात है, बहुत ही शानदार है इसको। ये देखें दोस्तों, इसके परों का शौक करें। ये 10वां पर अभी क्रीज की वजह से निकाल रहा है। ये देख, बहुत ही शानदार स्ट्रेटनेस परों में। नहीं दोस्तों, उसके परों का भी शौक, पंजों का शौक करें। माशाल्लाह जी, बस ठीक है, बोलो बैठे बाद में बताऊंगा। टैडी मंगवा लो, बैठे करा देंगे। ले दोस्तों, अब ये एक और टैडी मेल आया मेरे हाथ में। माशाल्लाह जी, इसका इस बार आप दोस्तों के लिए। माशाल्लाह, ले दोस्तों, इसके परों का भी शौक करें आप। माशाल्लाह जी क्या बात है, बहुत ही शानदार कमाल है। दोस्तों इस ये जो पेयर का आपको शौक करवाने लगा हूँ, ये भाई साहब के दोस्त ही हैं, उनके पास इस पेयर का बच्चा तीन इतवार तीन संडे माशाल्लाह चैंपियन बैठा है। पहले आपको मेल का शौक करवाया, ये फीमेल का शौक करें दोस्तों। माशाल्लाह जी, बहुत ही शानदार जर्रात आंखों में और आउटर रिंग और लास्ट रिंग माशाल्लाह मुकम्मल कंप्लीट है इसका। नहीं दोस्तों, इसके ऊपर का भी शौक करें। ये जनाब एक और टैडी मेल है, इसका इस आप दोस्तों के लिए। माशाल्लाह, क्या बात है जी। ले इसका पंजों का कलर नोट करें दोस्तों, बहुत ही शानदार। ले दोस्तों एक और टैडी आया। तो दोस्तों आपको एक बार फिर अपडेट करता चलूँ, आपको शो करवा रहे हैं इस वक्त उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद साहब के मेन ब्रीडर टैडी कबूतरों का।
कौन कौन दोस्त इस वक्त हमारे साथ हैं? खावर खोखर साहब हैं, वकास मियां वकास साहब हैं, इम्तियाज़ खान साहब। क्या हाल चाल इम्तियाज़ भाई, ठीक हैं? देखो दोस्तों इसके नाखून नोट करें, ये देखें नाखून, देखें कहाँ लगे, माशाल्लाह जी। तो दोस्तों अगर आपको ये शौक पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर लाजमी किया करें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसी तरह दोस्तों आपको एक दो और टैडी कबूतर दिखाते हैं, उसके बाद आपको जो सुल्तानी ब्लड लाइन है यहाँ इनकी, जो इनके पास अभी प्रिंस कबूतर भी हैं रेड आइज में, उनका भी शौक करवाते हैं दोस्तों आपको। जी माशाल्लाह बहुत ही शानदार। पर मोहम्मद आसिम साहब वालेकुम अस्सलाम जनाब, खबर कोकर साहब शुक्रिया, अब्दुल्ला गुज्जर थैंक यू सर। हाय साहब उन्होंने एक पेयर और लाके डैडी फिर लाल खल दिखाना मैं, हुसनैन एजाज थैंक यू सर। मियां वकास बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो में कोई कमी कोताही रहे शौक करवाने के अंदाज़ में या किसी चीज़ में कमी कोताही रहे तो वो आप हमें अपडेट लाजमी करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आज मेंशन किया ऊपर, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। और कबूतर परवरी की खिदमत के हवाले से अगर आप कोई भी काम या कोई भी खिदमत में इस काबिश हमारी इस काबिश में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। जैसा कि किसी कबूतर की अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से आपके पास कोई अच्छा पॉइंट है या पेयर लगाने के लिहाज से आपके पास कोई अच्छा पॉइंट है, कोई टिप आपके पास अच्छी है तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं उसको अपनी आईडी अपने प्लेटफार्म से लाजमी दोस्तों तक पहुंचाऊंगा और आपका नाम लेकर पहुंचाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03144281003। और जो दोस्त सलाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, ये दोस्तों एक और टैडी मेल है माशाल्लाह जिसकी आंखों का आइस ग्लोज आप दोस्तों के शौक के लिए है। नुमान नोमी, नईम गिल, आरिफ साहब क्या दोस्तों इसके पेपरों का शौक करें। बस एक अंदर करके फिर लाल रखने निकाल लेना सर। दोस्तों आपके इस वक्त हम शौक करवा रहे हैं जनाब उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद साहब के मेन ब्रीडर टैडी कबूतरों का, उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद साहब जो कि शागिर्द हैं उस्ताद मोहम्मद यूनुस पहलवान ऑफ कसूर के। मियां पिजन क्लब शुक्रिया सर, जीशान शानी शुक्रिया सर। तो सर लाइक शेयर करते रहा करें वीडियो को, ये साइड पे जो चलते चलते रहते हैं दिल ये बड़े अच्छे लगते हैं, लाइक करते रहा करें अगर आपको शौक पसंद आए तो। अम अब्दुल्ला खान ऑफ कसूर जो कि मेरे साथ इस वक्त और तकरीबन लास्ट दो तीन वीडियो में मेरे साथ ही हैं और इनकी मोहब्बत है और कबूतर परवरी से प्यार इनका कि जो अपना टाइम निकाल के शौक करवाने के लिए आते हैं हमारे साथ। माशाल्लाह जी मैं इसके ऊपर का शौक करूँ और अब मैं अब्दुल्ला भाई से गुजारिश करूँगा ये जो टैडी कबूतर इस तरह हम बैठे हुए हैं दोस्तों को एक बार इनका शौक करवा दें, उसके बाद रेड स्टार्ट करें हम। माशाल्लाह दोस्तों ये हैं उस्ताद जनाब हाजी अब्दुल रशीद साहब के मेन ब्रीडर टैडी कबूतर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शौक बहुत पसंद आया होगा आ रहा होगा। और माशाल्लाह जी बहुत ही शानदार
ये एक भाई पूछ रहे हैं सेल भी करते हैं जी जनाब, आज के दौर में कौन है जो सेल नहीं करता, सब कुछ होता सर जनाब, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसे कमेंट सर नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या पसंद है तो आप रब्ता कर सकते हैं। और ये समझ लें दोस्तों कि ये मेरा अपना सेटअप, ये कह सकते हैं कि मेरा दूसरा ब्रीडिंग सेटअप है। यहाँ पर जितने भी कबूतर आने हैं यहाँ पे जाने हैं टोटली दरमदार, जो भी सिस्टम निज़ाम है मुझ पर ही होता है, मैं ही करता हूँ जो भी करना है। हाँ इधर ही दोस्तों, अब आपको शो करवाते हैं इनके कुछ लाल आंखों वाले मेन ब्रीडर कबूतरों का। नासिर महमूद साहब वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए सब खैरियत से हैं। इंजीनियर हाफिज जुहेब, जी थैंक यू इंजीनियर हाफिज़ जुहेब साहब। लें दोस्तों माशाल्लाह यार, मुझे तो बहुत ही शानदार फीमेल लगी, बड़ा मज़ा आया इसकी आंख देख के, और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आई होगी। नन्ही शान भाई सॉरी वाली कोई बात नहीं है, नंबर मैंने मेंशन किया वो ऊपर अपना, अगर कोई बच्चे लेना चाहिए, पटी पड़ा लेना चाहिए, किसी किस्म की कोई ज़रूरत है या है तो रब्ता कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जी उस्ताद अजीब अब्दुल रशीद साहब के प्रिंस कबूतर हैं, कमगर है ना ये सब है, प्रिंस कमगर कबूतर माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह जी, ये उसी अवामी छत पे तूफान वाला भी एक नॉमिनेटर और हिस्ट्री मेकर कबूतर उड़ा माशाल्लाह जी, वो भी उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद साहब के घर का था और बड़ी ही शानदार परवाजें दी उसने भी। राजा आफ्ताब साहब, जुहेब मलिक, शुक्रिया सर आप दोनों का, ले इसके परों का शो करें और देखें इसके परों का अंदाज माशाल्लाह क्या बात है जी। अमृत सिंह साहब, जेठ के वन टू वन मुकाबलों के बाद आज आप आए हैं जनाब, कहाँ गुम थे इतने दिनों से। उस्ताद चौधरी जहीर साहब, मलिक कबीर, कलीम खान साहब, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का, ठीक है माशाल्लाह जी। दोस्तों कैसा लगा आपको ये कबूतर, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मुझे तो बड़ा ही शानदार ये ऐसे पेयर लगा भाई, नगमा और ये माशाल्लाह क्या बात। अब्दुल्ला भैया ज़रा पैर दिखाएं दोस्तों, बहुत ही शानदार जी रेड आइज में, क्या बात है। आज माशाल्लाह जी क्या बात है सब, बहुत ही शानदार। और दोस्तों आपको एक बात बताता चलूं, इस घर में ये मेरा सब, मैंने पहले भी बोला कि ये मेरा दूसरा घर है, ये स्टोर सेटअप मेरा ही है जी, साले वो काले मोती वाले ने। जी काले मोती वाले आगे, तो आपको बताता चलूं कि ये सेटअप मेरा ही है, मेरा एक सिस्टम है कि अपने घर वाली बात है मेरी यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे पलते हैं जो भी लेन देन होता है सब कुछ मैं ही करता हूँ उसका सिस्टम निज़ाम। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक नहीं कई छतों पर इस घर के बच्चे भेजे हैं और माशाल्लाह जी बहुत ही आउट क्लास परवाजें रही हैं, बहुत शानदार परवाजें रही हैं। और दोस्तों इस वक्त हम आपको शो करवा रहे हैं उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद साहब के काले मोती वाले कबूतर, बेसिक ये डबल एक कबूतर है और अपना जो नाम इन्होंने दिया हुआ है वो काले मोती वाले दिया हुआ है। लें दोस्तों इसका कलर नोट करें, पर देखें माशाल्लाह, और क्या तांबड़ी रेड शेड आ रही है मुकम्मल माशाल्लाह जी, कोई बगल का झुकाव नहीं है माशाल्लाह, पर पे पर है। लें दोस्तों इसके पंजों का भी शौक करें, जिशान शानी शुक्रिया कह रहे हैं, सुपर ब्रीड थैंक यू, जोड़ा ही लगा है जी ठीक। अब्दुल्ला जरा जल्दी कर दें, मैं अंडिया दे अंडों पे थी मैं
मेल का पहले शो किया है या फीमेल का शो करें दोस्तों? ये जी काले मोती वाला पेयर जनाब साहब आज ऋषि साहब का, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ही म्यारी पर है माशाल्लाह जी इनके। अमरुल्ला खान है कि ब्रेड ने सर है जी अपना जो तफान वाला ना जी जी वो ब्रेड तफान वाले कुलदुंबे जी ठीक यानी कौन सा खान दाने डब वाला माशाल्लाह जी क्या बात है, ये गुस्सा बड़ा कर रहा कुत्ता। नहीं इसके पूरा को शौक करें दोस्तों। ये वालेकुम सलाम जी, बांग्लादेश बांग्लादेश से हमारे एक दोस्त सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम जी। ओके हो गया पुत्र। इससे पहले इसका बाप को शौक करवाया आपको दोस्तों, ये बेटा उसका। खालिद खालिद साहब बहुत शुक्रिया सर। बोला फोकस आउट हो रहा है यार आईज का, ठीक है। अच्छा अच्छा इस वजह से ओके। कोई बात नहीं, अंदर क्या गया चला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने वकार साहब है मेरी 25 साल पुरानी नस्ल है, जिंदे पुत्र धियां ताडे कोल भी रहन के जमाने। अच्छा अच्छा ले जी दोस्तों, ये उस्ताद हाजी रशीद साहब की तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी ब्लड लाइन है। हाई साहब इसके पुत्र की अपनी उम्र कितनी होगी? तकरीबन 25 साल पुराना कबूतर है ये, और आपको शौक करवा रहे हैं उनको माशाल्लाह जी। साहब अब्दुल रशीद साहब की सबसे पुरानी ब्लड लाइन माशाल्लाह कसूरी चीने कबूतर। नासर महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपके प्यार का सर। और दोस्तों आज यहाँ आने का मकसद यही था कि आपको कसूर की जो हिस्ट्री में पुराने कबूतर अच्छी परवाजें दे चुके हैं, ये कुछ कलेक्शन है हमारे पास यहाँ पर उनकी, उनका आपको शौक करवाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको शौक बहुत पसंद आया होगा, और अभी भी मज़ीद अभी आपको मुकम्मल उनकी जो सुल्तान ब्लड लाइन है उसका आपको शौक करवाऊँगा मैं। साहब मियाँ फयाज साहब शुक्रिया सर आपके प्यार का। हमें उड़ता ही यार, मुझे नहीं उड़ा, मेरे लास्ट में मतलब काफ़ी वीक हुआ था एक ऊपर, ये लास्ट टाइम आया था बहुत बड़ा वीक हुआ था ऊपर, नहीं उड़ता ऊपर कम ही जाता था। ये भी असल काले मोती रही नस्ल है ऐसा नारे ना है। हाँ जी ये दोस्तों है असल काले मोती वाले, उनका आइस नारा है मेल है, तो उसका आइस क्लोज बाप दोस्तों के लिए। अब्दुल हफीज़ साहब सर थैंक यू आपके प्यार का जनाब शुक्रिया। दोस्तों इसकी आंख में जो वाइट नूर है, वाइट है काले नूर के बाद जो वाइट बैकग्राउंड है उसके अंदर आप ये ज़र्रात नोट कर सकते हैं किस तरह के ज़र्रे हैं, और पीली यानी कि पीली जो शेड दे रही है इसकी पलकें बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार दिलकश चीज़ है माशाल्लाह जी। ये देखें और बगल में से पहला पर देखें कहाँ जा रहा है और क्या साइज़ उसका नोट करें दोस्तों। दोस्तों हमारा यही मकसद होता है कि अच्छे से अच्छा कबूतर, अच्छे से अच्छे पॉइंट्स आप दोस्तों के लिए लेकर आएं। तो क्लियर कट मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं फिर इतराज़ बातें ये वो चीज़ें बहुत कुछ शुरू हो जाता है, तो इशारे से समझा सकता हूँ, इशारे से समझाता हूँ आप सब दोस्तों को। तो इस जो हमारी काविश है हमारी टीम की
अभी देखा है। हाँ जी। तो इस जो हमारी काविश की टीम, हमारी इस काविश में अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया, आज मेंशन किया ऊपर। अगर आप अच्छे कबूतर के बारे में कोई पॉइंट्स दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप पर बता सकते हैं। आपका नाम लेकर इंशाल्लाह मैं वो पॉइंट्स जो हैं अपनी लाइव वीडियो में दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, उसमें आपका भी आपके साथ साथ कई दोस्तों का और भी भला होगा। इसमें भी दोस्तों वही सेम चीज़, ब्लैक नूर है, उसके बाद एक रिंग है और रिंग वाइट ज़मीन के अंदर, वाइट ज़मीन के अंदर बहुत ही शानदार सर्रात हैं। लें दोस्तों, अब्दुल लतीफ साहब अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। ये दोस्तों सुल्तान रही ब्लड लाइन में से है और इसकी जो माँ है वो उस्ताद मियां नसीर साहब के घर की है। लो जी, कुर्बान अली साहब आ गए हैं जी। कुर्बान अली उर्फ मिठूलाली, कसूर के मिठूलाली। अब्दुल हफीज़ साहब, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर पहले भी बोला, मैं दोबारा सर आपके लिए बोल देता हूँ, 0314-428-1003 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई दोस्त रब्ता करना चाहे, अपने कबूतरों की लाइव वीडियो बनवाना चाहे या कोई टिप्स शेयर करना चाहे तो मेरे साथ व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकता है। माशाल्लाह जी दोस्तों, अगर शौक पसंद आए तो जो भी दोस्त मेरे मुझसे प्यार करते हैं, मेरे मुझे फॉलो करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। उधर चलिए ना सर, पल्ले साइड। ये अब्दुल्ला भाई, ये लास्ट फीमेल दिखाएं, तूफान वाला, ये लास्ट फीमेल दिखाएं, फिर दूसरे सुल्तान, जैसे उस केज में सुल्तान का बाप है वो दोस्तों को शो करवाते हैं उसका। माशाल्लाह जी। ब्लड इन तूफान वाली है सर की। ले जी अब्दुल्ला भाई, इसके पुरों को शौक करवाएं और एक बार बैठे दोनों तो दोस्तों को शौक करवा दें जरा। अली नहीं नहीं ऐसे अपने बैठे उधर बह लें, सामने आवाम उठा लेंगे। हरिंदर सिंह अरोरा इंडिया पंजाब से हमारे साथ, हम लाइव देख रहे हैं जी। बोले ये फीमेल कैप्टन बड़ी शानदार है, ये मेल है वो फीमेल है पीछे, ये पैर बहुत ही शानदार है, मतलब इसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है। राजा जमील साहब कह रहे हैं जी, हकीकत है कसूरी कबूतरों के बाद बगैर कबूतर परवरी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर कोई माने तो, जो नहीं मानते वो उनकी मर्जी। मोहम्मद वलीद खान साहब, वलीद खालिद साहब, दोस्तों इसके ये दूसरा केज इनका, यहाँ पर है जो सुल्तानरे का जो बाप है बताते खुद इस केज में मौजूद है, तो लास्ट में इंशाल्लाह आप उसका भी शौक करवाते हैं। अरे चल इधर डैडी बैठे ना, छोटे अपने दोस्त जिशान सानी साहब, क्या हाल है जिशान भाई, ठीक है?
उसके बाद कौन है जी हमारे साथ, कुर्बान अली कसूर के मिठुल अली नेमतुल्ला, वालेकुम अस्सलाम भाई। इम्तियाज़ खान साहब शुक्रिया सर आपके प्यार का। मोहम्मद वलीद खालिद जी, वलीद खालिद साहब शुक्रिया सर आपका। शहीद वाले अंदर चढ़ते हैं। ये जी दूसरा आ गया मियां सईद वाला। मोहम्मद यासिर वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक, आप सुनाए सब ठीक हैं? ले दोस्तों के परों को शोक करें। नेक्स्ट लाल खान प्रिंस 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 सैफ अशरफ ऐसे भी। ये कौन से ब्लड केड एफ ब्लड है? लेट है ये मियां इस्तकार वाली, मियां इफ्तिखार साहब वाली। हां अच्छा, लड़ियाणी वाले ठीक। राजा जमील लेंगे दोस्तों माशाल्लाह, परों का शौक करें माशाल्लाह जी। दोस्त बहुत ही पसंद कर रहे हैं शौक को, जब से वीडियो स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह 100+ ही लोग दोस्त हमारे साथ हैं, और कमेंट्स में दोस्त बड़े बड़े अच्छे कर रहे हैं माशाल्लाह। भाई साहब सुल्तानरे ही ब्लड में से दिखा रहे हैं हम, जो सुल्तानरे सबसे पहले सुल्तानरे का भाई है वो दिखाएं। नहीं दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने का जो मकसद था उस तक हम पहुंच चुके हैं अब। ये जी सुल्तान जी कबूतर था, उसका भाई है ये 16 वाला। शौक करें दोस्तों इसके आंख का। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में पर, और बगल कितनी कुशादा और चौड़े पर हम बगल के, और ये पर नोट करें जी। वो सुल्तान रही कबूतर जो 2012 और 13 में एक बार नहीं जेठ में कई परवाजें 7 बजे के पार देता रहा, उसका सबसे बड़ा भाई। नेक्स्ट है साहब, ये भी उसका भाई है, ये भी उसका भाई जी। ले दोस्तों माशाल्लाह जी, आज सरदारी दे वाले साहब ने नहीं दोस्तों, ये बड़ा मज़ा आएगा कबूतर देख के इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को।
अब्दुल्ला भाई आपने भी ज़रा मोहब्बत से दिखाना है दोस्तों को, ठीक है। तो ये नोट करें दोस्तों, ये सुल्तानी कबूतर जो उसका बाप है, ये बताते खुद सुल्तानी वो कबूतर जो कसूर में जेठ में 2012 और 13 में जेठ की परवाजें, कई एक नहीं कई परवाजें सात के पार इसके बच्चे की हैं। माशाल्लाह जी क्या बात है, बहुत ही शानदार है इसको। अब्दुल्ला फोकस क्लियर है, मुझे लग नहीं था। माशाल्लाह जी लें दोस्तों, इसके ऊपर हम शुरू करें। दोस्तों ये पर हैं हिस्ट्री मेकर कबूतरों के। देखें बगल, पहला पर बगल का साइज परों में कहीं भी फासला नहीं है, और माशाल्लाह जी कोई ज़्यादा चौड़े पर नहीं। देखें पर नोट कर सकते हैं आप दोस्तों, क्या बात है जी, अपनी मिसाल आप कबूतर माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात है। अपना असल काले मोती ये जो सुल्तानी का बाप दोस्तों, आप दोस्तों के लिए शौक के लिए सही होते बस, बाकी वो नेक्स्ट वीक चला बना ले। अब्दुल्ला भाई ये एक लास्ट पुत्र का शौक करवाने प्योर काले मोती वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों से चाहेंगे इजाज़त, और एक अहम पैगाम के बाद एक दो बातें करनी है दोस्तों के साथ शेयर आज। तो इंशाल्लाह जिशान शानी शुक्रिया सर आपका, राजा जमील साहब थैंक यू, मून अली शुक्रिया, मियां वकास साहब स्टिल हमारे साथ शुक्रिया जी, अब्दुल हफीज़ साहब स्टिल हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया सर आपका जी। देखें बड़े कम पर होते हैं इस तरह के, बहुत अच्छी ब्लड लाइन जी, बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए कबूतर। देखें बगल कहाँ तक आ रही है दोस्तों, माशाल्लाह जी छोड़ दें, छोड़ दीजिए ना, यह अपना प्रिंस पर बस, ठीक है क्या बात, ठीक है सब आ जाए, ठीक है। जवेद हैदर शुक्रिया सर आपका, ओए सर जरा बाहर चलो बैठो, दिखा के आप एक बार बैठो। माशाल्लाह जी दोनों बहुत ही आउट क्लास कबूतर है, और बहुत मजा आया मुझे कबूतर देख कर, मैं तो अक्सर देखते ही रहता हूँ कबूतर। तो आज अब्दुल्ला ले दोस्तों, आज आपको शो करवाया जनाब उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद साहब के मेन ब्रीडर कबूतरों का जी, जो उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद साहब है, ये शिगिर्द यूनुस पहलवान और कसूर के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के शो के हवाले से यही पैगाम था हमारे, हम आपको ये शो दिखा सकते थे, ये दिखाया आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट मजीद अच्छे से अच्छा शौक और बेहतर से बेहतरीन कबूतर आपको इंशाल्लाह इसी तरह दिखाते रहेंगे, इसी तरह इसी अच्छे अंदाज में आपको दिखाते रहेंगे। तो और दोस्तों एक अहम पैगाम ये था, अगर किसी दोस्त को प्रवासी बेबी पिजन प्रवासी बच्चे चाहिए हों तो वो रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर ऊपर मेंशन किया है। तो किसी भी दोस्त को अगर प्रवासी बेबी पिजन चाहिए हों तो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह गारंटी के साथ। एक जो कि मैंने पहले आजमाए हुए हैं, एक छत से नहीं है, कसूर में तकरीबन 2 से 3 घर ऐसे हैं,
जहाँ से प्रवासी बेबी पिजन्स लेकर आगे देता हूँ, कुछ अपने घर से भी, कुछ मेरे अब्दुल्ला खान साहब दोस्त हैं, इनके भी माशाल्लाह बहुत आउट क्लास रिजल्ट हैं, तो किसी दोस्त को प्रवासी बेबी पिजन्स चाहिए हो वो हमसे रब्ता कर सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर कसूर सिटी में आप भी अपने कबूतरों की इसी तरह लाइव कवरेज करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अब्दुल्ला खान साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो कसूर सिटी में बिल्कुल मुनासिब और नॉर्मल चार्जेस होंगे हमारे, कोई ज़्यादा फीस नहीं होगी। तो दोस्तों अब दोबारा शौक के बाद आज आपको शौक करवाया जनाब उस्ताद जिद्दुर रशीद साहब के मेन ब्रीडर कबूतरों का। तो तारे कबूतर दिखाया आपको तूफान वाले कबूतर ब्लड लाइन में से, काले मोती वाले ब्लड लाइन में से, टैडी कबूतर बहुत शानदार कबूतर थे वो दिखाया आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शौक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने दोस्त अपने होस्ट वकार इंसारी को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।